पूजा गोपाल कृष्णन, रेकी मास्टर एंड रेकी कोच। आपका वेलनेस विद पूजा में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, कैसे हम अपने आप को बुरी नजर, नेगेटिविटी और काला जादू से बचाने के लिए अपने ऑरा को लॉक कर सकते हैं। हम सीखेंगे ऑरा को कैसे लॉक करना है और कब लॉक करना है। ऑरा एक एनर्जी फील्ड है जो हमारे फिजिकल बॉडी को सराउंड करता है और हमें प्रोटेक्ट करता है। हमारे एक पिछले वीडियो में हमने डिटेल में समझा कि ऑरा क्या है, कैसे ये हमें सुरक्षा कवच प्रदान करता है, कैसे हमारे नेगेटिव थॉट्स, फीलिंग एंड इमोशंस हमारे ऑरा को प्रभावित करते हैं, कैसे दूसरों के नकारात्मक सोच, फीलिंग एंड इमोशंस हमारे ऑरा को प्रभावित करते हैं और क्यों हमें ऑरा के बारे में जानना चाहिए। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, आई एम गिविंग द लिंक हियर एज वेल एज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, आप उसे देख सकते हैं ताकि आप पूरे ज्ञान और विश्वास के साथ अपना ऑरा लॉक कर पाए। नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक और बुरी नजर में ये क्षमता होती है कि वो हमारे ऑरा को डिस्ट्रप्ट या ड्रेन कर सकते हैं, जिसके कारण हम कमजोर और प्रभावित फील करते हैं, महसूस करते हैं। किसी भी स्थान के वाइब्रेशन और हमारे आसपास के लोगों के ऑरा की क्वालिटी हमारे ऑरा को प्रभावित करते हैं। हमारा ऑरा दूसरों के ऑरा के साथ हमेशा एनर्जी एक्सचेंज करता रहता है, जब तक कि हम अपने ऑरा यानी आभा को लॉक न करते। जब भी हम किसी से मिलते हैं या भीड़ भाड़ में जाते हैं, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब यूज करते हैं या पार्टी जाते हैं या गैदरिंग्स में जाते हैं, तब हमारी ऑरा इतने लोगों के ऑरा के साथ इंटरेक्ट करती है। हालांकि ये हमें दिखाई नहीं देता, बट हम इसे हमारे एनर्जी लेवल्स के उतार चढ़ाव से हम इसे महसूस कर सकते हैं। जब हमारी ऑरा इतने लोगों की ऑरा से एनर्जी का आदान प्रदान कर रही होती है, तब इतने सारे लोगों की नेगेटिविटी वो पकड़ सकती है और कई बार इस दौरान हम औरों के थॉट्स, फीलिंग एंड थिंकिंग हैबिट्स को भी अपने अंदर प्रवेश करने की अनुमति दे देते हैं, जो कभी कभी लाभदायक होता है और कभी कभी बहुत ही हानिकारक, क्योंकि ये हमारे ऊर्जा में तुरंत प्रभाव डाल देता है और ये प्रभाव कभी कभी बहुत स्ट्रांग होता है। इसके अलावा जब भी हम नियमित रूप से रेकी, ध्यान या योग की साधना करते हैं, तो हम में एक पावर विकसित हो जाता है, जिससे कि हम औरों की सोच, फीलिंग्स एंड वाइब्रेशंस को कैच कर पाते हैं। और अगर सामने वाले की इमोशंस, फीलिंग्स या वाइब्रेशंस नेगेटिव है, तो ये हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, कभी कभी बहुत ही गंभीर रूप से। तो एक तरफ जहाँ हम ध्यान, रेकी करके अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने की कोशिश में है, तो दूसरी ओर हमें अपनी ऑरा को लॉक एंड प्रोटेक्ट करने की भी अत्यधिक आवश्यकता है। बट डोंट वरी, ऐसे बहुत सारे पावरफुल टेक्निक्स है जिसे हम उपयोग करके अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम उन्हीं में से 6 पावरफुल टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। मेथड नंबर 1, अपने काल्पनिक शक्ति से एक सुरक्षा कवच अपने ऑरा के चारों ओर बनाएं। विजुलाइज अ प्रोटेक्शन शील्ड अराउंड योर ऑरा। ये बहुत ही शक्तिशाली टेक्निक है। इसमें हम अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच विजुलाइज करेंगे। चलिए साथ में ये प्रयोग करते हैं। अपने आंखें बंद करें और 2 से 3 गहरी लंबी सांस लें। अब विजुलाइज करें आपके ऑरा के चारों ओर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सुरक्षा कवच है, जो आपको चारों ओर से घेरे हुए है। ये व्हाइट लाइट से भरा हुआ है और बहुत ही पावरफुल है और आपको प्रोटेक्ट कर रहा है कोई भी नेगेटिविटी से, ब्लैक मैजिक से या बुरी नजर से।
कल्पना करें कि कोई भी नेगेटिविटी जो आपकी ओर आ रही है वो इस कवच से टकराते ही अपना दिशा चेंज करके जहां से आई है वही वापस लौट जाती है। ये हमारे आपके सुरक्षा कवच को चीर नहीं पाती है। आप नेगेटिव एनर्जीज को काले बादल या काले तीर के रूप में भी विजुलाइज कर सकते हैं कि ये आपके सुरक्षा कवच की तरफ आई और कवच से टकराते ही वो अपना रुख चेंज करके वापस जहां से आई थी वहीं चली गई। अब धीरे से अपनी आंखें खोल लें। ये सुरक्षा कवच आपके लिए एक ढाल के रूप में काम करेगा। आप ऐसा भी विजुलाइज कर सकते हैं कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी जब बाहर से आती है तो आपके कवच पे टकराते ही वो पॉजिटिव एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होके जहां से आई थी वहीं वापस चली जाती है। शुरू शुरू में हो सकता है कि आपकी कल्पना शक्ति से आप एक स्पष्ट कल्पना न कर पाए, पर कुछ दिन के प्रैक्टिस से आप ये कर पाएंगे। मेथड नंबर टू, विजुलाइजिंग अ पिरामिड। विजुलाइज करें कि आप एक पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट पिरामिड के बीच में बैठे हैं जो कि व्हाइट लाइट से भरा हुआ है और ये पिरामिड सिर्फ पॉजिटिव एनर्जीज को ही प्रवेश करने की अनुमति देता है। कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके पिरामिड से टकराते ही वापस मुड़ जाती है, जहां से आई थी वहीं वापस चली जाती है। मेथड नंबर थ्री, अगर आप रेकी सीखे हुए हैं तो आप सिंबल नंबर वन या मास्टर सिंबल से भी अपने ऑरा को लॉक एंड प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने करुणा रेकी सीखा है हुआ है तो आप सिंबल नंबर वन, टू एंड फोर से अपने ऑरा को लॉक एंड प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मेथड नंबर फोर, मंत्र प्रोटेक्शन। आप कोई भी मंत्र ले ले जो आपको प्रिय है, जैसे कि गायत्री मंत्र, ओम नमः शिवाय, ओम गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, जो भी मंत्र से आपको सुरक्षा का फीलिंग आता है या आपको प्रिय है, उस मंत्र का 3 बार उच्चारण करें और अपने हाथ को अपने चारों ओर 3 बार घुमाएं। मान लीजिए कि आपने मंत्र चुना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो 3 बार इस मंत्र को उच्चारण करते हुए अपने चारों ओर घुमाएं, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और फिर एक नॉट बांध दें। आप 3 चक्कर इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और 3 बार करके ऊपर नॉट बांध दें। दोनों में से कोई भी एक विधि आप कर सकते हैं। आप अपने इष्ट देव या देवी या अपने सद्गुरु को भी प्रार्थना कर सकते हैं कि वो आपको हर बुरी नजर से, हर बुरी एनर्जी से सदैव प्रोटेक्ट करें। पांचवा मेथड, आप रुद्राक्ष या अपने इष्ट देव या देवी का लॉकेट या कोई भी रक्षा सूत्र इस भावना के साथ अपने शरीर में ग्रहण कर सकते हैं कि जब तक आप उसे धारण किए हुए हैं, आप हर तरह की नकारात्मक एनर्जी से, बुरी नजर से या ब्लैक मैजिक से बचे रहेंगे। आपका इंटेंशन जितना स्ट्रांग होगा, आपका फेथ जितना स्ट्रांग होगा, ये उतना ही स्ट्रांग काम करेगा। मेथड नंबर 6, यूजिंग क्रिस्टल्स। ब्लैक टर्मेलिन या अमेथिस्ट अपने प्रोटेक्टिव गुणों के लिए जाना जाता है। आप इनमें से कोई भी क्रिस्टल अपने पास रख सकते हैं या अपने कार्य क्षेत्र में या अपने घर में रख सकते हैं, और आप इसे विधि पूर्वक यूज कर सकते हैं अपने आप को नेगेटिविटी से बचाने के लिए। याद रखें कि एनर्जेटिक बाउंड्रीज एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है। लर्न टू से नो टू पीपल एंड सिचुएशंस। हर समय हाँ बोलने की जरूरत नहीं है। जब भी आप किसी से मिले या किसी स्थिति में अपने आप को पाए जहां पे
आपके एनर्जी लेवल्स को ड्रेन्ड महसूस करें, अपने ऑरा को सूखता हुआ महसूस करें, तुरंत आप एक एनर्जेटिक बाउंड्री, एक सीमा रेखा बांध लें और उसे किसी को भी पार करने ना दें। आपको हर लोगों को गले लगाने की जरूरत नहीं है, आपको हर लोगों को, हर सिचुएशन को अपनाने की जरूरत नहीं है। अपने आप को पॉजिटिव एनवायरनमेंट में, पॉजिटिव लोगों के बीच में घेरे हुए रखें, ताकि आप का ग्रोथ जो है वो हैम्पर ना हो और आपका ऑरा नेगेटिविटी से प्रोटेक्टेड रहे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑरा लॉकिंग के साथ साथ हमें ऑरा की सफाई एंड ग्राउंडिंग भी करना जरूरी है। फ्रॉम टाइम टू टाइम हमें ये कर लेना चाहिए, ताकि जो भी नेगेटिविटी हमारे अंदर ऑलरेडी प्रवेश कर चुकी है उसको हम साफ कर सके। ऑरा साफ कैसे करते हैं, इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने 12 सरल तरीके बताए हैं जिससे कि हम अपनी ऑरा को आसानी से साफ कर सकते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, उसका भी लिंक हमने ऊपर डाल दिया है, एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप ऑरा की सफाई अपने जरूरत के अनुसार रेगुलरली करें, जब जब आपको उसकी नीड फील हो। ग्राउंडिंग पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। चलिए अब समझते हैं कि ऑरा को कब लॉक करना है। हम अपने एज वेल एज अपने प्रियजन का ऑरा लॉक कर सकते हैं, पर याद रखें ये तभी काम करता है जब हमें इस पे पूर्ण रूप से गहरा विश्वास हो। आपने देखा होगा बच्चों को हम काला टीका लगाते हैं इस विश्वास के साथ कि ये बुरी नजर से इसे बचाएगा, और आप सरप्राइज्ड होंगे ये जान के कि जब हम ये करते हैं तो हम एक्चुअली उस बच्चे की ऑरा को लॉक करते हैं और ये वाकई में उसे नेगेटिव एनर्जी से बचाता है। इसलिए पूरे मन और विश्वास के साथ आप अपने ऑरा को लॉक करें। आप इन 6 विधियों में से जो भी विधि आपको सरल लगे, कोई भी एक का चुनाव कर ले और उससे अपनी ऑरा को लॉक कर सकते हैं। ये आप कभी भी कर सकते हैं जब भी आपको सुरक्षा की आवश्यकता महसूस हो, या आप किसी के भी संपर्क में आने के बाद एनर्जी ड्रेन्ड महसूस करें, या आपके आसपास नेगेटिविटी हो, या आप भीड़भाड़ के इलाके में हैं, जैसे कि हॉस्पिटल्स, मार्केट, या आप किसी से मिलकर बहुत ही थका हुआ महसूस कर रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छा है अगर हम इसे अपना एक दैनिक नियम बना लें। घर से निकलने से पहले या स्नान के तुरंत बाद अपना ऑरा लॉक कर लें, और इस प्रकार आप अपने आप को नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक और बुरी नजर से बचा सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया एंड यूजफुल लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड प्रोटेक्टेड। नमस्ते।